बाहर से इतने सारे आदमी आ रहे हैं, केंद्र से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपने राज्य में ही बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को ये लोग डरा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हेमंत सोरेन डरने वाला है? क्या झारखंड की जनता डरने वाली है? क्या राजनगर की जनता डरने वाली है? या सरायकेला की जनता डरने वाली है? सरायकेला की जनता ने ये ठाना है कि जब पहले से हमारा मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो ये तीर धनुष ने बढ़ाया है। अगर यहाँ सरायकेला में चलेगा तो सिर्फ तीर धनुष चलेगा और किशन गुरु श्रीपुर सोरेन जी का सपना चलेगा, हेमंत सोरेन जी का साथ चलेगा और हमारी झारखंड की जितनी हमारी आबादी है और खास करके सरायकेला में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। और ये सिपाही धोखा बर्दाश्त नहीं करता है, ये जनता धोखा बर्दाश्त नहीं करती है। अगर झारखंड की जनता सरायकेला की जनता के साथ धोखा हुआ है तो इस चुनाव में हमारी जनता साथ देने वाली है, तीर धनुष का हमारी जनता साथ देने वाली है, हेमंत सोरेन का हमारी जनता साथ देने वाली है, गणेश मांगी जी का है कि नहीं? आप लोग सब साथ में, आप लोग बनाए गए थे साथ।